पाकिस्तान की वो उठा लिया है, जमात-उद-दावा ही वो संगठन है जिसका मुखिया है। वो जो पहले लश्कर तोयबा था, हाफिज सईद ये सब कंट्रोल कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी। तो अब एक जगह पे वहां कुछ लोग शिवसेना को विरोध करने की भाषा, शिवसेना के ऊपर बंदी करने की भाषा पाकिस्तान में चल रही है, क्योंकि शिवसेना हमारे देश में हिंदुस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही है, और उसी पाकिस्तान में हाफिज सईद के संगठन को सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार खुला दरवाजा किया है, उसको दरवाजा खुला कर दिया पाकिस्तान में, क्योंकि वापस हिंदुस्तान में आके आतंकवाद फैला है। तो ये तो सबसे बड़ी विडंबना है, विरोधाभास है। हिंदुस्तान ने उसे सबक लेना चाहिए, और जो लोग आज भी शिवसेना के खिलाफ हमारे देश में जहर उगाने की कोशिश करते हैं, चाहे सरकार में बैठे लोग हो, चाहे कांग्रेस में बैठे लोग हो, चाहे अपने आप को सेकुलर समझने वाले लोग हो, जो शिवसेना को दुश्मन मानते हैं, ये सभी ने पाकिस्तान में जो चल रहा है ना उसका ज्ञान लेना चाहिए, और फिर हमारे खिलाफ जहर उगलना चाहिए। पाकिस्तान में अब जो रणनीति बन रही है वो हिंदुस्तान में फिर एक बार आतंकवाद फैलाने की रणनीति चल रही है। मैं बात करता हूँ मलाला की। मैं ये सभी शांति दूतों को बताना चाहता हूँ, जब ये शांति की वकालत आप नहीं कर रहे थे, तब शिवसेना ने और सामना ने भी, मलाला ने जो लड़ाई की वहाँ आतंकवादियों के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, उसके लिए हमने उसको शाबाश भी दी थी। और अगर मलाला हिंदुस्तान में आती है तो शिवसेना भी उसका स्वागत करेगी, इसलिए कि ये जो और लोग हैं कसूरी जैसे, वो टेररिज्म को बढ़ावा देते आए, हिंदुस्तान के खिलाफ बढ़ावा जो है टेररिज्म का, वो कसूरी जैसे लोग, हाफिज सईद जैसे लोग वो बढ़ावा देते आए हैं। लेकिन मलाला जैसी बच्ची है, एक बच्ची है जो पाकिस्तान में रहकर बैठकर, एक छोटी सी बच्ची जिसने यही टेररिज्म के खिलाफ गोली आपने छाती पे सीने पे झेली है, और आज जो लड़ती है उसका संघर्ष जारी है, तो उसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो हिंदुस्तान की भूमि पर अगर उनका स्वागत होता है, तो हिंदुस्तान में जो पाक प्रेमी लोग हैं उनको भी एक सबक मिलेगा, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आतंकवाद से लड़ना चाहिए, और उसकी सबकी प्रेरणा स्थान मलाला है।